रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा अपने साहबा में तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे साहबा मेरा दिल करता है कि मैं अपने भाइयों को देख लूं। क्या फरमाया? मेरा दिल करता है मैं किन को देखूं? अपने भाइयों को देख लूं। तो साहबा कहने लगे, हम आपके भाई नहीं। फरमाया, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई वो हैं जो अभी दुनिया में नहीं आए। आप जरा मुझे बताएं वो कौन लोग हैं? क्यों जी, वो कौन है जिनके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं मेरा दिल करता है मैं उनको देखूं? बताएं, हम हैं, आप हैं। अल्लाह के नबी आपको देखने की ख्वाहिश रखते हैं, आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन फरमाया मैं उनको देख नहीं सकूंगा, अजल मुझे वक्त नहीं देगी, मौत मुझे फुर्सत नहीं देगी, मैं अपने उन भाइयों और उम्मतियों को देख तो नहीं सकूंगा, लेकिन उनको बता देना अना फारतुहुम अलल हौद, में हौदे कौसर पे खड़ा होके उनका इंतजार कर। आज अगर अल्लाह के नबी मुझे देखें और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कल अगर मैं अल्लाह के नबी के सामने आऊं और मेरा चेहरा नऊज बिल्ला गैर मुस्लिमों वाला है, आप खुद बताएं उस वक्त का पछतावा किसी काम आएगा? बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने तो फौरन सवाल ही कर लिया, कैफ तारिफुहुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी आप उस वक्त अपने उम्मतियों को पहचानेंगे कैसे? वहां तो आदम से लेके आपके आखिरी उम्मती तक के लोग होंगे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अंबिया, उनकी कौमें, उनकी उम्मतें, लोगों की भरमार, लोगों की कसरत। आपने खुद ही तो बताया कि आसमान के किनारे से लोग इस तरह निकलते हुए आएंगे, मैं समझूंगा मेरी उम्मत है, जवाब आएगा नहीं ये मूसा अलैहि सलाम की उम्मत है। फरमाया फिर मैंने क्या देखा, आसमान की तरफ नजर उठाई, आसमान का कोई ऐसा किनारा नहीं था जहां से मोमिन दौड़ते नहीं आ रहे, जहां से उम्मत मुस्लिमा दौड़ती हुई नहीं आ रही। फरमाया उनकी पहली लाइन पे वो 70,000 खुश नसीब होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले गए। एक साहबी जल्दी से खड़े हो गए और कहा, उदुल्लाह अय्या जालानी मिनहुम। उकाशा रजी अल्लाह तआला ने कहने लगे, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी उनमें कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिनहुम या उकाशा, उकाशा अल्लाह ने आपको उनमें से कर दिया हुआ है। नेकी की बात सुन के उस पर फौरन अमल करने की नीयत इंसान कर ले, बड़ा कामयाब है। और शैतान की थपकियां लेके सोचे कर लवांगे जी बड़ा कायम है, फिर पछतावा है, लेकिन वो पछतावा किसी काम का नहीं है।